हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो हम जितने भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे द मेंस पर्पस से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है WTO रिफॉर्म। तो WTO क्या है और रिफॉर्म क्या करने की ज़रूरत है और इसके विषय में क्या रिफॉर्म करना आवश्यक है आज के वक्त में WTO में। तो मेंस GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो WTO का काम क्या है। WTO का काम यह है कि जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट है बाकी देशों के बीच में वो सेटलमेंट करना है, ट्रेड के लिए लॉ बनाना है, चीज़ें मल्टीलेटरल तरीके से अपने अपने मनमानी तरीके से जो है चीज़ें ना चले कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ मनमानी करे पुअर कंट्री के साथ, तो ऐसा ना, बल्कि एक मल्टीलेटरल एक पॉलिसी बेस और एक जो है लॉ के हिसाब से चीज़ें चले और कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को ना दबाए बल्कि रूल बेस्ड ऑर्डर कायम हो, वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो। तो WTO का पर्पस यही था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या है कि WTO अब क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ों में WTO को काफ़ी कमजोरियां WTO की निकल करके सामने आ रही है, ठीक है। और ख़ास तौर से अगर दुनिया आज अगर इकोनॉमिकली अगर जो लॉसेस अभी जो पेंडेमिक की वजह से हुई है और इस लॉसेस से अगर बाहर निकलना चाहती है तो WTO का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। WTO को अच्छा से फंक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है WTO में, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि WTO का जो अपीलेट बॉडी है, यानी कि जो कोई देश अपील करता है, यूनिक बॉडी होता है, एक जज होता है वहाँ पर जो जज करता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है और फिर उसके बेस फैक्ट बेस जो है उस पर जो है जजमेंट दी जाती है कि जो है आप इस चीज़ को आप मान ले। तो अपीलेट जो बॉडी है WTO का, ये तकरीबन देख ले दिसंबर महीने से बिल्कुल डिसरप्ट है। बिल्कुल जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करता है, झगड़ों को निपटारा करता है मेंबर देशों के बीच में, ये WTO का अपीलेट बॉडी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इसके जो मेंबर है, जो कॉरम ऑफ जज, ये सिलेक्टेड नहीं हो पा रहा है दिसंबर से, ठीक है। तो सवाल ये है कि कॉरम ऑफ जज सिलेक्टेड क्यों नहीं हो पा रहे जिससे कि अपीलेट बॉडी कायम हो। तो वजह यह है कि जो अपॉइंटेड है जो जज जो पैनल जो बिटवीन एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो हर कोई जो जज जो अपॉइंटमेंट जो अपीलेट बॉडी के लिए जो होना चाहिए उसके अपॉइंटमेंट के लिए कंट्री के बीच में मेंबर कंट्री के बीच में क्या है ना डिसएग्रीमेंट है, यानी कि एक दूसरे के बीच में इत्तेफाक नहीं है, मतलब सेम चॉइस नहीं है, आपस में एक दूसरे के बीच में डिसएग्रीमेंट है। तो इस वजह से अपीलेट बॉडी के जो जज मेंबर है वो अभी तक चुने नहीं गए और फिर दिसंबर से ये खाली है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करता है मेंबर कंट्रियों के बीच में, ठीक है। WTO फेल्ड है, काफ़ी लंबे टाइम से नेगोशिएशन करने का काम है WTO का, ग्लोबल ट्रेड के टॉक के बीच में टॉक करना है, आपस में जो डिस्प्यूट है जो है मिस कन्फ्यूजन है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, इसको ठीक करना है लेकिन मेंबर कंट्री के बीच में। लेकिन कुछ लंबे टाइम से देखा जाए 1995 से WTO का जो वर्क है काफ़ी जो है उसमें डेफिसिट हुआ है, ठीक है। तो दोहा राउंड टॉक हो रहा था 2001 से, कंप्लीटेड हुआ 2005 में, 15 साल इसमें लग गए, डिबेटिंग हुआ कि किस बेस पर जो है सब्सिडी को लेकर और फिर कई सारे इश्यूज को लेकर ये चीज़ें जो है मेंबर कंट्रियों के बीच में टैरिफ को लेकर, तो मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है जितना एफिशिएंसली होना चाहिए वो WTO जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो डिले होने का वजह क्या है कि डिस्कसिंग का जो सब्जेक्ट है मेंबर कंट्रियों के बीच में जो है वो सेम नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें जो है कह लें कि मैथोलॉजी जो है WTO के साथ जो है डिफेटिंग एक जो मजबूत कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर हावी हो जा रही है और चीज़ों को अपने मनमानी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे WTO का अगर हम बात करें तो जैसे कि US और चाइना, एक लंबे टाइम से US और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है लेकिन WTO जो कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर था
कि ट्रेड वार के बीच में WTO एक अच्छा अहम रोल निभा सकता था, चाइना और US के ट्रेड वार को जो है हल्का करने के लिए। लेकिन देखा गया कि बिल्कुल WTO पूरी तरीके से चाइना और USA के ट्रेड वार में फेल नज़र होता आया। और फिर WTO साइलेंट रहा COVID-19 के वजह से, जितना जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट की बात रहे, मेडिकल सप्लाई की बात थी, कि बहुत सारे कंट्री ने क्या किया ना, अपनी मेडिकल सप्लाई को जो है बिल्कुल डिस्टर्ब्ड किया, रोक दिया बाकी देशों के लिए। तो ये एक ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है WTO के ट्रेड लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट था, बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन WTO साइलेंट रहा। तो ये बात मतलब ये उदाहरण दी जा रही है कि WTO किस तरीके से अपने काम में जो है फेल होता मतलब आया है, और चीज़ें जो है किस तरीके से कई बार WTO अच्छे से नहीं कर पाया। तो अचीवमेंट भी WTO का रहा है। पहले क्या था, WTO से पहले गेट था। गेट का मतलब हुआ कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो तो गेट था WTO से पहले, ये गेट था और इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि आपस में जो है ट्रेड और टैरिफ को लेकर जो है जो भी आपस में जो डिस्कशन होगा, चीज़ें जो है एक साथ लेकर के चलना है, एक दूसरे को जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आपस में जो है ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर के कंट्रीब्यूट करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 70 डिकेड, मतलब 70 साल से जो है ये काम करता चला आ रहा था, तो जो कि WTO में परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। तो WTO का रिड्यूसिंग टैरिफ रिड्यूसिंग कर रिड्यूस करना है, खासतौर से डेवलपिंग कंट्री से जो है टैरिफ को रिड्यूस करेगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी वास्ट है, डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश जो है उसमें कई सारे इशूज़ हैं, कई प्रॉब्लम हैं, तो टैरिफ उनको कम करना होगा। तो ये चीज़ें हैं, टैरिफ बैरियर को हटाना, कंट्रीज ऑल्सो इम्प्रूव्ड लिविंग, और फिर इससे क्या होगा कि कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने नागरिक के स्टैंडर्ड सिटीजन्स के जो है चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से जो है आगे चल करके जो है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो सम अचीवमेंट और WTO इंक्लूड, जिससे कि इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इंटरनेट खुला छोड़ दिया, सॉरी। ये बात है WTO के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, तो गेट जो था ये WTO में परिवर्तन हो गया। तो साइनिंग ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट विच केम इनटू द फोर्स इन 2017, जो ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर कंट्री के बीच में साइन हुआ, जो 2017 से जो है फैसिलेट हुआ, कि ट्रेड एंड टैरिफ जो है डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री जो है टैरिफ में रिड्यूस करेगी, उनको कम करेगी, ताकि डेवलपिंग कंट्री भी जो है आगे चल करके डेवलप्ड कंट्री के रूप में बन सके। तो वे फॉरवर्ड क्या है WTO के लिए, ये बताया जा रहा है कि देखिए क्रूशियल प्रायोरिटीज़ होना चाहिए WTO को, जो भी इशूज़ है ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इफ़ेक्टिव तरीके से होनी चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पूरी तरीके से मजबूत बनाने की ज़रूरत है, जो जिस तरीके से अभी फेल चल रही है, ठीक है। और एक्सपेंडिंग ट्रेड रूल्स, जो ट्रेड रूल्स है ये कायम होना ज़रूरी, देखिए रूल बेस्ड ऑर्डर कायम होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल बेस्ड ऑर्डर कायम नहीं होता है, तो अगर रूल को तोड़ा जाता है तो नुकसान किसको होता है, किस टाइप के लोगों को होता है। देखिए जब भी रूल तोड़ा जाता है तो नुकसान अक्सर कमज़ोरों को होता है, जो पावरफुल होता है उसको नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर किसको चाहिए, ठीक है। संविधान किसको चाहिए, संविधान किसी तानाशाह को नहीं चाहिए, संविधान किसी राजा को नहीं चाहिए, संविधान ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहिए जिसके हाथ में पूरा पावर जो है बिल्कुल उसके हाथ में सिमटा हुआ है। संविधान कमज़ोरों को चाहिए, संविधान लाचारों को, मजबूरों को, और उन लोगों को चाहिए जो मार्जिनल सेक्शन है, जो माइनॉरिटीज़ है, जो अपने जिसके पास कोई ऐसा खंभा नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, उनको संविधान चाहिए। तो असल क्या है ना कि अगर रूल बेस्ड मैकेनिज़्म अगर वर्ल्ड में नहीं होगा, तो कोई जो पावरफुल कंट्री है वो क्या करेंगे ना, वो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर जो है अपना दबदबा कायम करके जो है ये चीज़ें जो है अपने मनमानी करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल हमारा इंडियाज डिजिटल पॉलिसी, ठीक है, मेंस GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सिचुएशन क्या है, तो बताया जा रहा है कि अभी हमारा क्या, सॉरी 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 सॉरी
बहुत प्रॉब्लम रही आज। तो दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया डिजिटल पॉलिसी में जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो सिचुएशन क्या है, डिजिटल पॉलिसी के बारे में बात, इंडिया डिजिटल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए विद द ऑनसेट ऑफ द COVID-19, अरे यार क्या हो रहा है ये सब, विद द ऑनसेट ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक एंड इट्स डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी लेड टू आइडेंटी इंटेंसिफाइड कंपटीशन इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय कंट्रीज। तो COVID-19 महामारी की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, चीज़ें जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त है, और अब जितने भी देश है वो चाहते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, हमारे देश में FDI, लोग अट्रैक्ट हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इंडिया भी चाहेगा कि इतना बर्बादी, इतना नुकसान होने के बावजूद भी देश हमारे, बाकी जो रिच कंट्री है, वो जो रिच पीपुल्स है, वो हमारे देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये रिलीज किया गया है UNCTAD के द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया है UNCTAD के द्वारा। तो UNCTAD क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट को रिलीज किया और बताया है कि तकरीबन पेंडेमिक के वजह से एशियन इकोनॉमी 45% FDI जो है लॉस में जाएगी, मतलब 45% जो है FDI एशियन कंट्री के इकोनॉमिक से फॉल डाउन होगा। समझ रहे बात, जो FDI है 45% डेवलपिंग एशियन इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री जो है एशिया के जो डेवलपिंग कंट्री है उनका 45% FDI कम होगा इस पेंडेमिक के वजह से। दस ए स्ट्रॉन्ग डिजिटल पॉलिसी कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द इकोनॉमी इंडिया। तो फिर एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता कर सकता है, कारगर हो सकता है। तो अब इम्पॉर्टेंस क्या है डिजिटल सर्विस का, इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये आप समझ ले कि रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और ऐसे में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हर एक बंदे तक अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं तो वो केवल और केवल अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है 21वीं शताब्दी में आप बिल्कुल लास्ट किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी सर्विस का उपभोग कर सकते हैं, लाभ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 21वीं सदी में जो है ये चेंजिंग हमारे ज़माने, हमारे दुनिया में ये चीज़ें अभी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस पेंडेमिक महामारी में भारत अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकता है। डिजिटल सर्विस हैव बीन इनेबलिंग एसेस एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस रेंजिंग फ्रॉम द हेल्थ केयर टू द, तो हर तरह के सर्विसेज डिलीवरी की जा सकती है, सर्विसेज और हेल्थ केयर फैसिलिटी सारी चीज़ें जो है डिजिटल के माध्यम से ये चीज़ें की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग पैंडेमिक ये काम किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, इस पर इसमें सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे जो है इंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, आने वाले जो डिसरप्टेड हुआ है, जो इकोनॉमी में जो बर्बादियाँ जो हो रही है, तो इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो इंडिया इज़ एन आइडियल, इंडिया का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया का ह्यूज मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का। डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम बना सकता है भारत, और ये पुश कर सकता है भारत डिजिटल इंडिया की तरफ, और फिर जो भी दो दिक्कतें जो भी आ रही है ये कल होकर के इसको दूर किया जा सकता है। तो रिफॉर्म क्या लेना पड़ेगा, सरकार कर क्या सकती है, तो सबसे पहले क्या है कि पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेगी। डिजिटल सर्विस के जितने भी जो रिफॉर्म हो सकते हैं उतने सारे रिफॉर्म करने पड़ेंगे। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि डाटा को लेकर ये हमेशा ये चर्चा रहता है कि प्राइवेसी को भी जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए। पुट्टा स्वामी केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी जो है एक पर्सनल जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है सरकार को लेकर आनी चाहिए, ताकि ई कॉमर्स पॉलिसी होनी चाहिए, ई कॉमर्स कंपनियाँ उसको मिसयूज ना कर सके अपने देश में जो है, उसको और भी गलत किसी भी तरीके से जो है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को हट ना पहुँचाए, जब पहुँच जाए, जैसे कि अमेजोन के पास जो है हमारे लोग काफ़ी बड़े मात्रा में डाटा होगा, फ्लिपकार्ट के पास होगा और स्नैपडील के पास होगा, तो ये सब जो फॉरेन कंट्री के जो एप्लीकेशन जो कंपनियां हैं, इन लोगों के पास हमारे नागरिकों के डाटा इतना ज़्यादा है कि हमारे
हमारे सरकार के पास इतने डाटा नहीं होंगे जितना कि हमारे नागरिकों के डाटा जो है दूसरे देशों के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसके लिए सरकार को प्रोटेक्शन बिल बनाना पड़ेगा, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ई कॉमर्स पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें सुधार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और फिर दूसरी बात है कि FDI को भी इस फील्ड में हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी अगर को खासतौर से प्रमोटिंग डाटा प्राइवेसी को प्रमोट करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अट्रैक्टिंग FDI कर सकते हैं हम जब ऐसा करेंगे। तो कई सारे देशों का भी शिकायत है, भारत में जो है डेटा प्राइवेसी का कोई कानून नहीं अभी बना हुआ है। अब ये भी कहा जाता है प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो अट्रैक्टिंग कर सकता है FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, डेमोक्रेटिक वैल्यू को, इंस्टीट्यूशन को अगर मजबूत बनाते हैं तो FDI हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ सकती है। तो ये बात भी कही जा रही है। दिस कुड इम्पेड इंडिया फ्रॉम द बिकमिंग ए ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आने वाले वक्त में अगर ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर पाते हैं तो ग्लोबल लीडर बन सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। भारत एक बहुत बड़ा उम्मीद है क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, चूँकि भारत का टारगेट है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो देखिए ऐसे बड़े बड़े चैलेंजिंग वाले कदम उठाने पड़ेंगे और स्थिति को सुधारने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का 3 जुलाई का आर्टिकल। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी नहीं समझ में आया, तो एक एक लाइन आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाएंगे। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी